इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहजनवा अपनी लापरवाही के कारण काफ़ी चर्चा में है। अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से ही कोरोना का बिना टीका लगे ही टीका लगने का प्रमाण पत्र जारी हो गया था और अब डिलीवरी के लिए आई प्रसूता की मौत हो गई। आपको बता दें कि सहजनवा थाना क्षेत्र के लुचुई वार्ड नंबर 10 की गर्भवती महिला ममता वर्मा पत्नी मनमोहन वर्मा को डिलीवरी के लिए परिजनों ने सुबह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए। परिजनों का आरोप है कि महिला की डिलीवरी के लिए जितनी दवाएं थी सब बाहर से मंगाया गया और दोपहर बाद ही महिला की मौत हो गई। मौत के बाद सारे स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। पेशेंट यदि सीरियस था सीएससी पर जो ये अभी प्रसूता की मौत हुई उसके बारे में सर मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूँगा कि यदि पेशेंट गंभीर था या कोई उसको और भी समस्या थी तो डॉक्टरों ने क्यों उसको तुरंत ना रिफर करके चिकित्सा तो की वो हायर सेंटर भी रिफर कर सकते थे, लेकिन यदि किसी कारण से मौत हो गई तो क्या बंद करके भाग जाना ये डॉक्टरों की मानवता है या सीधे ही तो मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? पेशेंट की मौत प्रभारी के साथ अधिकारी से मेरी वार्ता हुई है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कोई भागा नहीं है, ये जांच का विषय है। मैं इस बारे में मैंने उनसे बात की है, सीएमओ साहब को पत्र भेजा जाएगा और इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी डॉक्टर हो या नर्स हो या जो भी वार्ड बॉय हो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? भर्ती कर ली है, बोला था अभी डिलीवरी हो जाएगा, अभी डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। तो चार इंजेक्शन बनाए और तीन इंजेक्शन पहले लोग लगा दिए अपने सर। हम चार इंजेक्शन मंगाए, 150 रुपया देनी है, कितना देंगे कितना? तो जब इंजेक्शन लगा दिए उसके बाद गाज लग गई भर मुँह में फेंके। हम कहने गाज के कहता चलो बाहर बाहर चलो, यहाँ पर तुम्हारी बेटी पे होश है, उसके बाद डॉक्टर रुके थे या फिर अपने लोग भाग लिए? जब हम कह दिए बेटी खत्म हो गई, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कहा था मैंने झूठ नहीं बोला था, बेहोश है बेहोश, समझ गए? मनमोहन वर्मा क्या हुआ था हॉस्पिटल में? आज मेरी पत्नी का डिलीवरी पे एक था डिलीवरी करने के लिए, उन्होंने यहाँ पर 9 बजे मैंने 9:30 बजे तक जाकर यहाँ बदल दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ के कर्मचारियों ने डॉक्टरों ने डॉक्टर नाम जिनका नाम अज्ञात है हम 9:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए। आपको ओपीडी में दिखाए थे या डायरेक्ट? यहाँ डायरेक्ट डिलीवरी में आ गए। उन्होंने बताया कि आज का डिलीवरी डेट है आपका और उन्होंने चेक किया, 2-3 बार चेक किया, आधा घंटा 1 घंटा टाइम ऑपरेशन दिया, हो जाएगा सुविधा आइए सुविधा आइए। मैं मार्केट से पूरी दवाई लाता रहा, उन्होंने इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन भी दिया तो रूई भी नहीं इन लोगों के पास था, वैसे ही कपड़े से पूछ लीजिए ये ऑपरेशन दिया उन्होंने, तो कोई भी दवा नहीं, और सारा इंजेक्शन बाहर से लाए और दवा भी लाए और इन्होंने देती रही और मुझे जानकारी नहीं हुआ कि आप परेशान मत होइए आज आपकी डिलीवरी हो जाएगी। कोई भी चीज मिला के मैं गला तक की बाहर से लाया, बच्चे को जो सुविधा मैंने एक बार उनसे वो भी किया लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं है आप लेकर के आइए बाहर से। यहाँ के हमसे तो जो महिला आई वो लेडीज थी, महिला कर्मचारी थी, उसके बाद जेंट्स, उसके बाद कुछ देर बाद जेंट्स भी आए जो कि मतलब उनको इंजेक्शन के लिए उन्होंने इंजेक्शन लगा उनको देख रहे थे। मेरी वाइफ की माता जी थी जो अंदर गई और उनको भगा दिया गया,
मेरी वाइफ गांज मतलब इंजेक्शन लगाने पर गांज फेंकने लगी उनसे, उनमें उनकी माता रानी जी ने उनसे कहा कि मैं मेरी बच्ची गांज बेच रही है, लेकिन उनको खदेड़ दिया गया कि बाहर जाओ न, कि उनका उनके बिना रहे हुए उनका उपचार किया गया। और ये भी नहीं बता रहे हैं कि मरीज जो है एक्सपायर हो गया है, उन्होंने है और अचानक सब भाग गए, मुझे नहीं बता रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चिकित्सा के दौरान जब आपको जवाब दिया गया या इंजेक्शन लगाया गया, उस समय पुरुष चिकित्सक थे या महिला चिकित्सक थे? जब ये इंजेक्शन लगाया जिस समय आपके पेशेंट को चिकित्सा दी गई, पुरुष चिकित्सक थे कि महिला चिकित्सक थी? महिला चिकित्सक भी थी, पुरुष भी थे। पुरुष थे, पुरुष जो बाद में जांच कर रहे हैं वो भी भगा दिए उनको, उनका नाम पूछा गया, उन्होंने नाम भी नहीं बताया और ये भी नहीं बता रहे हैं कि मरीज मर चुकी है। मैं पूछ रहा हूँ क्या वो बताइए, कुछ आगे कार्रवाई की जाए, मैं गोरखपुर ले जाऊँ, जवाब दीजिए। गोर कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, मैं स्टाफ को बता चुका हूँ, मैं स्टाफ को मैं पर्चा वगैरह आपने बनवाया था? मैंने जो जाँच आज की होती है HIV जाँच, खून जाँच, सारी पर्ची है, अल्ट्रासाउंड में बात करा था, अल्ट्रासाउंड भी यहाँ की दाई मांगी थी, तत्काल तबियत खराब हुई उसको दे दिया, आधा अपन रिपोर्ट दे दिया, लेकिन वो रिपोर्ट मुझे अभी तक मेरे पास नहीं। सारे मामले को लेकर थाने में कुछ तहरीर दिया? थाने में तहरीर दिए हैं, मैं उन सबों के खिलाफ उचित कार्रवाई चाहूँगा। बस बच्चे को